हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मनापुरम फाइनेंस शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए। और साथ ही साथ इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करते रहिए, जिससे कि और भी लोगों तक यूजफुल इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग मनापुरम फाइनेंस शेयर के ऊपर। इस स्टॉक में हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में भी 10% से ज्यादा का गिरावट देखने को मिला। क्लियरली गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, स्टॉक ने नीचे में बेस बनाया। फाइनली लास्ट में हम लोगों को एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो प्रीवियस वीक में स्टॉक जो है 17% टूट चुका है, और ये आपको टूटा है क्योंकि ईडी ने मनापुरम फाइनेंस से रिलेटेड जितने प्रमोटर हैं या फिर जो है जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन है और या फिर मनापुरम फाइनेंस का ऑफिस है, इन सभी जगह जो है ईडी का रेड हुआ था। वहाँ पे जो है उनके ऊपर एलिगेशन है मनी लॉन्ड्रिंग का, साथ ही साथ जो है और भी आपको अकाउंटिंग को ट्रांसपेरेंट नहीं रखने का भी एलिगेशन है। इसी वजह से जो है आपको इतना जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा मैनेजमेंट के ऊपर सवाल खड़ा हो चुका है। जो मैनेजमेंट जो है वो आपको ऑनेस्ट नहीं है, तो मैनेजमेंट अगर ऑनेस्ट नहीं है तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है थोड़ा सा फियर जरूर कर जाते हैं, क्योंकि अगर प्रमोटर सही नहीं है, उसका इंटेंशन सही नहीं है, तो आगे जो है कंपनी कभी भी डाउनफॉल हो सकता है। इसी वजह से जो है आपको इतना जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बहुत से लोगों के द्वारा जो है आपको रिक्वेस्ट था जो एक टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जो है कोई कोर्स बताइए। तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा एक कोर्स है जो कि आपको स्टॉक ट्रेडिंग के द्वारा लॉन्च किया गया है, और काफी अच्छा कोर्स है क्योंकि यहाँ पे जो है बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सभी चीजें इस कोर्स में मिलेगी। राइट फ्रॉम द बिगनिंग कैंडल स्टिक से लेके एक चार्ट पैटर्न हो, या फिर जो है आपको डॉ थ्योरी हो, गैप थ्योरी हो, या फिर एलियट वेब थ्योरी हो, साथ ही साथ आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस भी सीखने को मिलेगा। तो आप इस कोर्स को जो है डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नीचे दिए गए लिंक के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे साइट से जाके ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कोर्स 7000 का मिलेगा, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा बोनसेस भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप नीचे दिए गए लिंक के थ्रू जाके ज्वाइन करते हैं तो फिर यहाँ पे कोर्स जो है आपको ओनली 6000 में ही मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको एक फ्री का डीमैट अकाउंट भी मिलेगा। इसके साथ ही आपको दो और जो है स्टॉक मार्केट का कोर्स जो है आपको एडिशनली बोनस के तौर पर मिलेगा। साथ ही साथ आपको 1 ईयर का लाइव डाउट क्लियर करने के लिए जो है आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे जो है आपके मेंटर रहेंगे, वो आपका लाइव डाउट क्लियर करेंगे, और आपको एक लर्निंग कम्युनिटी भी मिलेगा जहाँ पे कि आपको ऐड किया जाएगा और आप उस कम्युनिटी में भी अपना भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, साथ ही साथ फेलो मेंबर से भी आप सीख सकते हैं। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस स्टॉक के टेक्निकली लेवल्स के ऊपर। तो यहाँ पे क्लियरली अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक ने लास्ट 9 वीक में जितना गेन किया, वन वीक के न्यूज में, इवन वन डे के न्यूज ने आपको सारा इरोड कर दिया है। और यहाँ पे आपको क्लियरली एक बहुत ही जाइंट रेड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर आप मंथली चार्ट के बेसिस पे देखेंगे तो मंथली चार्ट पे स्टॉक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है बड़े बड़े रेड कैंडल जो है, यहाँ पे आपको एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, और उसके बाद जो है आपको ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे 150 के लेवल के नीचे। उसके बाद एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला, वापस से स्टॉक स्लो एंड स्टडी यहाँ पे रिकवर कर रहा था, बट अगेन यहाँ पे न्यूज आया और एक बहुत ही जबरदस्त सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली स्टॉक जो है अभी डाउन ट्रेंड में है। इस स्टॉक में अभी आपको कोई भी बाइंग पोजिशन नहीं लेना चाहिए। ये तो यहाँ पे आप अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो सबसे इमीडिएट सपोर्ट है वो आपको 100 का लेवल है, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर 100 का लेवल यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर इमीडिएटली आपको 90 का लेवल मिलेगा, जो कि आपको रीसेंट है, स्विंग लो है। और उसके नीचे अगर बात करेंगे तो उसके नीचे आपको 81 का लेवल मिलेगा, 81.5 का लेवल मिलेगा, जो कि उससे
प्रीवियस स्विंग लो है। तो डाउन साइड में 100, उसके बाद 90 और उसके बाद आपको 81 का लेवल है। ऊपर की साइड में जब तक स्टॉक यहां पे आपको अपसाइड में 135 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक इस स्टॉक में हम लोगों को फर्दर अपसाइड देखने को नहीं मिलेगा। तो बेटर है यहाँ पे अभी आपको वेट करना चाहिए कोई भी बाई पोजिशन बनाने से पहले। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।